दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक तितली का जन्म आखिर कैसे होता है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं, बट उससे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वेल, आपको बता दें कि तितली अपने बच्चों को जन्म देने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों पर अपने अंडों को देती है, जो कि कई तरह के रंगों के होते हैं, जिनमें कुछ समय के बाद इन अंडों का लार्वा बनना शुरू हो जाता है और इनका रंग भी बदलना शुरू हो जाता है और उस अंडे में से कुछ हलचल भी होने लगती है और तकरीबन 6 दिनों के बाद अंडा काला हो जाता है, जिसका मतलब उस अंडे में अब लार्वा पूरी तरह बन चुका है और लार्वा बाहर के बाद उस अंडे की परत और पत्तियों को खाना शुरू कर देता है और तकरीबन 20 दिनों के बाद ये अंदर से लार्वा पूरी तरह से विकसित हो जाता है और तितली बनने के लिए अपने लार से चिपचिपा पदार्थ निकालता है और उससे अपने शरीर का पिछला हिस्सा अटैच कर देता है और तकरीबन 1 महीने के अंदर ये अंडा लार्वा से एक ककून बन जाता है और उस ककून में से एक बेहद खूबसूरत तितली बाहर आती है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत लगती है।